बंगाल को देखते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आमजन से बड़ी अपील की है। रघु शर्मा ने कहा है कि आमजन को इस दरमियान बरती जाने वाली सावधानियों को आदत में शुमार करना होगा। अगर हम ये करने में सफल रहे तो काफी हद तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का ये मानना है, उनका कहना है कि ये कहना मुश्किल है कि कोरोना कब खत्म होगा, लेकिन ये जरूर है कि यदि आमजन इस दौरान सरकार द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस का पालन करें तो बीमारी को फैलने से रोका जरूर जा सकता है। ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन बढ़ना अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा कि जब तक हमारी इंडस्ट्रीज वापस नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगी, हमारी इकोनॉमी पटरी पे कैसे आएगी। तो जो मजदूर अगर चले गए मान लो, या अन्य राज्यों के मजदूर अपने अपने राज्यों में चले गए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बढ़ पाएगी। ये अंदाजा नहीं है कि कोविड कब तक चलेगा, लॉकडाउन की अवधि कितनी लंबी चलेगी। तो घबराहट में लोगों ने यह सोचा एक बार हम अपने घर चले गए, लेकिन अब वो स्थिति तो है नहीं। अभी लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई है उसके साथ आम आदमी कंफर्टेबल भी है, घूम भी रहा है, सामान खरीदने भी जा रहा है, लेकिन सावधानियां जिसने छोड़ दी, जहां जहां हमने चूक कर दी वहां ये महामारी फैलने का खतरा बढ़ता है। मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग और प्रदेश भर के लिए राहत की खबर है कि लगभग 50% लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। 1131 स्वस्थ मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। ये चिकित्सकों की मेहनत और सरकार की बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था के चलते ही संभव हो पाया है। अभी 10,500 टेस्ट पर डे हम लोग कर रहे हैं और हर रोज ये टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है। हमने 1,30,000 से ज्यादा सैंपल्स लिए हैं, तो जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी पॉजिटिव केसेस तो उतने ज्यादा आएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे 49% लोग पॉजिटिव केसेस के रूप में भर्ती है तो 48% रिकवरी भी है हमारी। सिर्फ 3% कैजुअलिटी है जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में स्थितियां हमारे नियंत्रण में है और पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ना, मैं समझता हूं कि असलियत का पता लगना है। राजस्थान में 10,500 टेस्ट हर दिन किए जा रहे हैं। जांच क्षमता में भी लगातार इजाफा किया जा रहा है। मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 1,40,000 से ज्यादा सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं। चिकित्सा मंत्री ने फिर साफ किया कि जितनी ज्यादा जांचें होंगी कोरोना की असलियत का उतनी ही जल्दी पता चलेगा और खतरे को कम किया जा सकेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।